नमस्कार, मेरा नाम है रितेश गौतम और आप देख रहे हैं storyhow.in। आज की वीडियो थोड़ी सी खास है, और खास इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में आज आपको बताने वाले हैं, जिनसे मिलवाने वाले हैं, वो अपने आप में खास हैं। जरा सोचिए, जिस उम्र में लोग चारपाई पर पड़े होते हैं, धर्म और आस्था के काम में जुटे होते हैं, ऐसे में एक महिला जिनकी उम्र 96 साल है, उन्होंने स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सबको चौंका दिया है। कार्तियानी अम्मा की उम्र उनके हौसलों के आगे नहीं टिक पाई और उन्होंने अपने इरादों के मजबूत इरादों के बल पर 96 साल की उम्र में वो कर दिखाया, जिसके कारण आज उनकी चर्चा हर जगह हो रही है। देखिए इस वीडियो में कात्यायनी अम्मा की कहानी, जिन्होंने 5 अगस्त यानी बीते दिन साक्षरता परीक्षा देकर सबको हैरान कर दिया है। हाथों पर लकीरों का जंजाल और चेहरे पर गजब का विश्वास, बाल भले ही सफेद हैं लेकिन हिम्मत के आगे और उम्र को पीछे छोड़ती, ये है केरल के तिरुवनंतपुरम में रहने वाली 96 साल की कार्तियानी अम्मा। उत्साह, प्रेरणा और मजबूत हौसलों की जीती जागती मिसाल हैं कार्तियानी अम्मा। जिस उम्र में बुजुर्ग चारपाई पर अपने आखिरी दिनों के पड़ाव पर होते हैं, उस उम्र में कार्तियानी अम्मा ने अपने मजबूत इरादों से स्कूल जाने का फैसला लिया, और आज उनके इस कारनामे से इंटरनेट से लेकर असल दुनिया में उनकी खूब चर्चा है। 5 अगस्त 2018 को कार्तियानी अम्मा ने केरल राज्य में हुई साक्षरता परीक्षा देकर सबको चौंका दिया है। सिर्फ चौंकाया ही नहीं, बकायदा उन्होंने परीक्षा को अच्छे से निकाला। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम अक्षरा लक्षम के तहत कार्तियानी अम्मा ने 40,440 लोगों के साथ ये परीक्षा दी। इस परीक्षा का मकसद 100% साक्षरता हासिल करना है, मतलब राज्य में सभी लोग पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। लेकिन अब मन में सवाल आता है कि जिस उम्र में लोग धर्म और आस्था के कामों में लगते हैं, उस समय कार्तियानी ने पढ़ने का फैसला क्यों किया? दरअसल कार्तियानी बताती हैं कि उन्हें अपनी 60 साल की बेटी को साक्षरता की परीक्षा पास करता देख पढ़ने का जज्बा मिला है। अल्पपुषा जिले के चेपर से आती 96 साल की कार्तियानी राज्य में हुई साक्षरता परीक्षा में सबसे वृद्ध महिला है। 6 महीने पहले कार्तियानी अम्मा ने इस परीक्षा में हिस्सा लेने का फैसला किया था। एग्जाम के दौरान कार्तियानी अम्मा पहले सवाल पर नर्वस महसूस कर रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। इस उम्र में उन्होंने पढ़ाई के लिए अपनी इच्छा, जिज्ञासा, रुचि, प्यार दिखाकर साबित कर दिया है कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती, बस हिम्मत और मजबूत हौसला होना चाहिए। पढ़ाई के प्रति उनकी इस कामयाबी से वो असल जिंदगी में किसी हीरो से कम नहीं है। कार्तियानी अम्मा की कहानी तो आपको देखकर अंदाजा हो ही गया होगा कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो, पढ़ाई के प्रति अपना प्यार अच्छा हो, ज्यादा हो, तो कोई भी काम अधूरा नहीं है आपको पढ़ाई से रोकने के लिए। साथ ही कार्तियानी अम्मा की कहानी अपने आप में खास इसलिए भी है क्योंकि आज जिस वक्त बच्चे और बड़े पढ़ने से मना करते हैं, शर्म खा जाते हैं इस रूढ़ीवादी समाज की वजह से, वहाँ पर कार्तियानी अम्मा की कहानी अपने आप में खास है और लोगों को प्रेरणा देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए मिस कॉल दीजिए इस नंबर पर